रहुई प्रखंड के भागन बिघा पैठना में बिहार का पहला राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, जहां आकर लोग अपना दांत का इलाज करा सकेंगे। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक दिल्ली में लोग बैठे रहेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी का मान शिथिल गति से होता रहेगा। उन्होंने कहा, जब हम आएंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी को और बेहतर तरीके से बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या उसे कहा जाए। शहरी से ग्रामीण सड़कों को अब बिना टेंडर प्रक्रिया के ही किया जाएगा। बता दें कि करीब 20 एकड़ भूमि पर 404 करोड़ रुपए की लागत से इस महाविद्यालय का निर्माण किया गया है। इस डेंटल एकेडमिक में फिलहाल 100 दंत छात्रों की पढ़ाई के लिए तैयार किया गया है। इस कॉलेज में आईसीयू, लेबर रूम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जाँच की व्यवस्था भी की गई है। स्वर्ण रानी के साथ राकेश की रिपोर्ट। पद जो है रिक्त पड़ा था, चाहे डॉक्टर का हो, नर्स का हो, टेक्नीशियंस का हो, स्टाफ का हो, तो 1.5 लाख केवल स्वास्थ्य विभाग जो है वो सरकारी नौकरी देने का काम आगे आने वाले समय में करेगा। तो इस पे भी हम लोग भारी काम करते हैं, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं बिहार में इतना काम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम कर दिया है और कर रहे हैं। इनके साथ रह करके हमको भी सीखने का मौका मिल रहा है। हम लोग भी जो है तेजी से चाहते हैं कि बिहार का उत्थान हो, बिहार आगे बढ़े। तो यहाँ इतना काम हो रहा है, बताइए, देश में इतना बड़ा दंत चिकित्सा के लिए सुविधाएं कहीं नहीं है जितना यहाँ रोहिया में हो गया है। और बिहार में इतना हर दिशा में काम हो रहा है, और कुछ लोग जो है कहते हैं कि भाई बिहार में जो है जंगल राज आ गया, क्या क्या बात करता रहता है। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी गंगा जल पहुंचा रहे हैं घर घर, जहां पानी टंकी से पहुंचाया जाता था वहां गंगा जल ही पहुंचा रहे हैं हर घर, तो बोल रहा है कि जंगल राज हो गया। नौकरियां दी जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो लोग बोलता है कि जंगल राज हो गया। तो बोलने वाला का तो काम ही है बोलेगा, लेकिन भाई आप लोग सब लोग देख ही रहे कितना काम हो रहा। अब आप बताइए, जो लोग बोलते हैं उन लोग बताए ना क्या किया। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, मांगते रह गए मुख्यमंत्री जी, हम लोग मांगते रह गए, अब तक बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा छुरी विशेष पैकेज की जहां तक बात थी वो नहीं दिया जा रहा। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है, जो अपने दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम महागठबंधन के सरकार द्वारा हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे, इतने कम संसाधन के बावजूद भी अगर थोड़ा सा और सहयोग हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग तो देश के 5 अव्वल राज्यों में आ जाए। लेकिन कोई लोग देखना नहीं चाहता, कुछ लोग बिहार से घृणा करते हैं। और ये नालंदा जो स्थल है, ये ज्ञान देने की भूमि रही है, विश्व में पहला अगर विश्वविद्यालय अगर खुला पूरे दुनिया में तो वो नालंदा में खुला, यानी नालंदा जो है ज्ञान बांटने का काम करता है। हम कहना चाहते हैं, अब आप सब लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा, सभी बिहार के लोग एकजुट हो जाइए, चाहे कोई जात के आए, कोई धर्म के आए। आने वाला लड़ाई जो है वो नागपुर के लोगों से है, जो नागपुर के लोग जो भ्रम फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, वहां ज्ञान थोड़ी ना बांटा जाता है। तो लड़ाई तो नालंदा और नागपुर की है, तो नालंदा का ज्ञान ज्यादा अच्छा है या नागपुर का है, ये आप लोग तय कीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि एकजुट रहना का काम कीजिए। जो लोग समाज में नफरत घृणा आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था पर अभी सबसे आगे और हमको करना, तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे, सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं, सब तरह की सुविधा है सबको है। लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था, मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, कहे कि मेरी राय नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए हैं, तो याद रखिएगा। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखना है और समाज में आपस में झगड़ा नहीं करना। तो हम तो सब दिन तक कहते हैं जी,
अभी हाले घूम घाम करके गए हैं, जितना था सब जगह न गए, कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए, कभी भी मत झगड़ा करिए। तो ये सब पहले कितना होता था, तब मेरी बात माने नहीं तो कितना झंझट होता था जी, हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होता था। लेकिन सब आप लोग मेरी बात माने हैं, धीरे धीरे खत्म हुआ। आप फिर कोई ना कोई झंझट कराना चाहे आप जान लीजिए, अब कुछ लोग लगेगा फिर बाएं दाएं करने में, इधर उधर झंझट करने की कोशिश करेगा, तो जरा पूरा तौर पर अलर्ट रहिएगा, कभी झंझट मत करने दीजिएगा किसी को। और आपस में जब प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा तो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे आप बढ़ रहे हैं आप देख लीजिए। और कोई तरह की जो कमी, हम कहीं भी जाते हैं सब जगह कहते हैं कि यहां पर ये बनाइए, अभी सब आपको अधिकारी गण और नेतागण कह देंगे कि चीज को देख रहे हैं, इसलिए हम तो भाई करते रहेंगे। और आप लोगों ने हमको यहां पर आया है तो हमको MLA तो आप ही ना बनाए जी, और उसके बाद कितना दिन हमको MP बनाते रहे, तो सब कुछ किए हैं काम, अब तो हम सेवा कर रहे हैं। तो आपने जो हमको बनाया, हमको अवसर दिया, तो हम तो घूम घाम रहे थे ना, और जब हम 85 में बने तो सब जगह घूमते रहते थे, और हमको पार्टी का लोग कह रहा था कि आप पटिया में अभी ये काम करिए, तो हम करते ही नहीं थे। हम कहना भाई पहले पार्टी का काम करते थे, हम दो बार हार गए थे, इस बार हम जीते हैं, हम खाली क्षेत्र में घूमेंगे। और आप समझ लीजिए कि जितना इसके लिए जा रहे थे नेता, तो हम तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन इसी इलाके में आप ही के और आगे उस साइड में हम जो रोज घूमते रहते थे, हम कहे सुना सुना क्या ही रोज घूमते रहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, खाली क्षेत्रवा में घूमते रहते हैं, हम लोग तो सब दिन आपको मदद करवे करेंगे। और उसके बाद हम मान लिए उनकी बात को, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।